चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि जो सुकरात चैप्टर का बचा हुआ एक्सेस पार्ट था उसको हम बताते हैं कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ तक बताए थे, इसके बाद यहाँ से बताना है। सुकरात डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात हैव अ बिग हाउस। बिग हाउस का मीन्स होता है बड़ा घर। बिग का मीन्स होता है बड़ा, हाउस का मीन्स होता है घर, और फाइन फर्नीचर। फाइन का मीन्स अच्छा, फर्नीचर का मीन्स होता है लकड़ी के सामान। सुकरात के पास न बड़े घर था और न ही अच्छा फर्नीचर था। ही डिड नॉट सीम, उन्हें ऐसा लगता था, सीम मतलब होता प्रतीत होना या लगना, टू वांट मतलब चाहना, आइदर या तो वेल्थ, वेल्थ मतलब होता है संपत्ति, आर या ब्यूटीफुल पोजेशंस। ब्यूटीफुल का मीन्स होता है सुंदर, पोजेशन का मीन्स होता है वस्तुएं। ऐसा लगता था कि उनको संपत्ति या सुंदर वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, उनको संपत्ति या सुंदर वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। अरे जैसे ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़े होते गए, ग्रो का मीन्स होता है बढ़ना, उसका सेकेंड फॉर्म है ग्रू। आए जैसे ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़े होते गए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कम्फर्ट एंड प्लेजर। ही बिगेन, बिगिन का सेकेंड फॉर्म होता है बिगेन। ही बिगेन वह शुरू कर दिए टू थिंक सोचना, वेरी लिटिल बहुत थोड़ा, बॉडीली कम्फर्ट शारीरिक आराम। बॉडीली का मीन्स होता है शारीरिक और कंफर्ट का मीन्स होता है आराम एंड प्लेजर का मीन्स होता है आनंद। जैसे जैसे वह बड़े होते गए वह शारीरिक आराम और खुशी के बारे में बहुत कम सोचने लगे, मतलब शरीर वो नहीं चाहते थे कि मैं आराम करूं ऐसा कुछ। ही गेव हिज माइंड, वो अपने मन को देते थे टू ऑल दैट, वो अपने मन को वह सब देते थे, ऑल मतलब सभी, वो अपने मन को वह सब देते थे दैट वाज नोबल, जो श्रेष्ठ था। नोबल का मीन्स होता है श्रेष्ठ, ऑनरेबल का मीन्स होता है सम्मानीय, एंड जस्ट का मीन्स होता है न्याय, मतलब वह अपने मन को वह चीज देते थे जिससे जो श्रेष्ठ है, सम्मानी है और जस्ट है और न्याय प्रिय है। सुकरात वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट। सुकरात जाते थे, राउंड मतलब होता है चारों ओर, द टाउन मतलब शहर, ऑन फुट सुकरात पैदल ही शहर के चारों तरफ जाते थे। एंड टॉक टू द पीपल, लोगों से बातें करते थे, द एथेनियंस जो एथेंस वासी थे, जैसे इंडिया के रहने वाले लोगों को इंडियन बोला जाता है वैसे एथेंस के रहने वाले जो सुकरात थे वहाँ के लोगों को एथेनियंस बोला जाता था। द एथेनियंस, एथेंस वासी, बिगैन, शुरू किए टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स। एथेंस वासी जो थे बिगेन शुरू कर दिए टू लुक, देखना, फार फैमिलियर मतलब होता है परिचित, फिगर मतलब होता है आकृति, आकृति का मीन्स ये है उनके शरीर से मतलब है, मतलब सुकरात से, इन द स्ट्रीट मतलब गलियों में। और एथेन वासी सुकरात के परिचित शरीर को देखने थे इन द स्ट्रीट, गलियों में मतलब गलियों में जब सुकरात के परिचित शरीर को देखते हैं, टू से कहते टू देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्त से कहते, क्या कहते, यस हाँ दैट इज सुकरात, यस सुकरात है। कम एलॉन्ग, आओ एंड टॉक टू हिम, और उनसे बात करो। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद सुकरात बिकेम फेमस एज ए टीचर। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद सुकरात जो थे बिकेम फेमस, प्रसिद्ध हो गए एज ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में। ही वांडर्ड, वह घूमने लगे एलॉन्ग द रोड्स, सड़कों की तरफ। एलॉन्ग का मीन्स होता है तरफ, रोड्स का मीन्स होता है सड़क। वह सड़कों की तरफ घूमने लगे, एंड स्टूड, और स्टैंड का सेकंड फॉर्म होता है स्टूड, स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, और बाजार के जगहों पर खड़े हो जाते थे। टॉकिंग टू एनीवन, टॉकिंग का मीन्स बातें करने लगते थे, टू एनीवन मतलब किसी व्यक्ति, किसी से भी बातें करने लगते थे। हु केयर टू ग्रीट हिम, हु मतलब जो, केयर मतलब सावधानीपूर्वक, टू ग्रीट हिम उनका अभिवादन करता था। अभिवादन करने का मतलब है प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, यही सब बोलना। टॉकिंग टू एनीवन, किसी से बातें करने लगते थे। हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उनसे अभिवादन करता। हिज लिसनर, उनके सुनने वाले, लिसन का मीन्स होता है सुनना, लिसनर मतलब सुनने वाला। हिज लिसनर्स, उनके सुनने वाले वर ऑफन कन्फ्यूज, प्राय भ्रमित हो जाते थे।
ऑफन कमी होता है प्राय कंफ्यूज मतलब भ्रमित, उनके सुनने वाले प्राय भ्रमित हो जाते थे। दे हैड आर्ग्यूड और वे उनसे बहस करते थे, विद हीम और उनसे, आर्ग्यू का मीन्स होता तर्क वितर्क करना, बहस करना मतलब किसी चीज पर, विद हीम उनसे, आर आंसर्ड और उत्तर देते, हिज क्वेश्चन उनके प्रश्नों का, मतलब वो उनसे सुकरात से बहस करते मतलब कुछ पूछते हैं कि यह कैसे जीवन में होता है कैसे नहीं होता है यही सब बातें। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात अपने देशवासियों से बोले, कंट्रीमैन का मीन्स होता है देशवासी, सुकरात अपने देशवासियों से बोले या कहते दैट कि एवरी वन मस्ट लर्न टू थिंक, एवरी वन का मीन्स होता है किसी व्यक्ति के लिए आया है, दैट एवरी वन प्रत्येक व्यक्ति को मस्ट लर्न, लर्न का मीन्स सीखना चाहिए, टू थिंक सोचना, फॉर हिमसेल्फ स्वयं से, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से सोचना सीखना चाहिए। सो इसलिए दैट बाई यूजिंग हिज रीजन, इसलिए अपने कारण का प्रयोग करते हुए, मतलब कारण मतलब रीजन कि हम, ही वुड हैव द पावर, वह उनके शक्ति आ जाती, मतलब वो किसी पर्सन के लिए बोल रहे हैं कि स्वयं से सोचना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। ही वुड हैव द पावर टू सी, उनके पास यह देखने की शक्ति होती, व्हाट वाज राइट, क्या सही है, जस्ट, क्या न्यायपूर्ण है, ट्रू, क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल, क्या सुंदर है। मतलब ये कि वो व्यक्ति को बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति को ऐसा अपने स्वयं से सोचना चाहिए। एंड सो सेफ हिज ओन कंडक्ट, और सेफ मतलब ढालना चाहिए, ओन कंडक्ट अपना स्वयं का आचरण, ओन का मीन्स होता है अपना, कंडक्ट मतलब होता है आचरण, और स्वयं को आचरण को ढालना चाहिए, सिर्फ मतलब आकार देना होता है। दैट ही वांटेड, वह चाहते थे एथेनियंस, एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह चाहते थे कि एथेंस एक पूर्ण राज्य हो सके, वह चाहते थे कि एथेंस क्या हो सके, एक पूर्ण राज्य। ही टोल्ड एवरीवन, वह प्रत्येक व्यक्ति से कहते, बोथ हिज पीपल्स, अपने शिष्यों से, पीपल मतलब लोग होता है, पीपल मतलब शिष्य होता है, दोनों याद रखेंगे कि पीपल मतलब लोग, पीपल मतलब शिष्य होता है। ही टोल्ड एवरी वन, वह प्रत्येक व्यक्ति से कहते, बोथ दोनों से, हिज पीपल्स अपने शिष्यों से, एंड हिज अदर फॉलोअर्स और अपने दूसरे अनुयायियों से, फॉलो का मीन्स होता है अनुसरण का, फॉलोअर मतलब अनुसरण करने वाला, हिज अदर फॉलोअर्स उनके दूसरे अनुयायी, दैट दिस कुड ओनली हैपेंस, या केवल तभी घटित हो सकता है, ओनली मतलब केवल, हैपन का मीन्स होता है घटित होना, यह तभी घटित हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन, यदि प्रत्येक नागरिक एजुकेटेड शिक्षित हो, हिज ओन माइंड अपने स्वयं के मस्तिष्क से, टू सी देखने के लिए, व्हाट वाज राइट क्या सही है, एंड नोबल क्या श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे दैट की क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे दैट की क्वेश्चनिंग प्रश्न करना, एंड डिस्कशन और बहस करना, वुड हेल्प देम वह उनको सहायता करेगा, मतलब यदि हम किसी से बहस करते हैं प्रश्न करते हैं तो हेल्प देम उनको सहायता करेगा, टू डू डू दिस यह करने में, मतलब यदि हम किसी से तर्क वितर्क सारा सलाह लेते हैं बड़ों से तो हमें ये पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है यही सब चीज़ें। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे दैट की क्वेश्चन, हाँ आगे हो गया, एंड सो इसलिए ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन ओपन स्ट्रीट, सो मतलब इसलिए ही वॉज फॉर एवर कमिंग हमेशा टॉकिंग मतलब बातें करते टू देम उनसे, इन द ओपन स्ट्रीट खुले सड़कों पर या फिर गलियों में, वह इसलिए वह हमेशा खुले सड़कों पर लोगों से क्या करते थे बातें करते थे। When सुकरात वॉज एन ओल्ड मैन, when जब सुकरात वॉज ए ओल्ड मैन, जब सुकरात एक वृद्ध व्यक्ति से, हिज फेम उनकी प्रसिद्ध हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, स्प्रेड मतलब फैल गई, फार मतलब दूर, एंड वाइड, वाइड मतलब चौड़ा होता मतलब दूर दूर तक, जब सुकरात वृद्ध थे उनकी प्रसिद्ध दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ द मेनी अ रिच मैन, द हाउस मतलब घर, मेनी रिच मैन कई धनी व्यक्तियों के, ओपन खुले रहते थे, इट्स डोर उनके दरवाजे, टू हिम उनके लिए, मतलब धनी व्यक्तियों के घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा क्या रहते थे खुले रहते थे। फॉर पीपल लोग फेल्ट महसूस करते थे, फील का सेकेंड फॉर्म होता फेल्ट, ऑनर्ड फॉर पीपल फेल्ड ऑनर्ड का मीन्स होता सम्मानित, और लोग सम्मानित महसूस करते थे टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, देयर मतलब अपना, गेस्ट मतलब अतिथि बनाकर, और लोग उनका अपना अपना अतिथि बनाकर, उनको अपना अतिथि बनाकर, उनको अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे। बाई डिग्रीज या स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गेदर अराउंड हिम, बाई डिग्रीज, डिग्री मतलब बहुत सारी संख्या में, स्पेशल ग्रुप एक विशेष प्रकार का समूह, स्पेशल का मीन्स होता है विशेष, ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल का मीन्स सभी बताएं शिष्य होता है, एक विशेष प्रकार के शिष्यों का समूह गेदर इकट्ठा रहता था अराउंड हिम उनके चारों तरफ,
गेदर का मीन्स होता है इकट्ठा होना, टुगेदर का मीन्स होता है साथ, और शिष्यों का ये विशेष समूह उनके चारों तरफ इकट्ठा रहता था, जैसे आज संतों के पास रहते हैं इकट्ठा रहते हैं वैसे। फॉलोड हिम और उनके पीछे चलते थे, मतलब उनका अनुसरण करते थे। वेन एवर जब कभी ही वेंट वह जाया करते, मतलब जब बाजार में या गलियों कहीं जाया करते थे तो उनके शिष्य उनका पीछा करते थे। अमांग देम उनमें से वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लूटो, अमांग देम उनमें से एक युवा व्यक्ति था जिसको प्लूटो कहा जाता था, मतलब उनका प्रिय शिष्य था। हु ट्रीजर्ड जो संचित रखता था एवरी वर्ड प्रत्येक शब्द को, हु मतलब जो, ट्रीजर्ड का मीन्स होता है संचित करना मतलब अपने मन में उतारना, एवरी वर्ड प्रत्येक शब्द को, जो प्रत्येक शब्द को संचित करता था, विच जिसे हिज मास्टर उनका मालिक अटर्ड कहता था, उनका मालिक का मतलब सुकरात के लिए आया, अटर्ड का मतलब होता है कहना या बताना, मतलब सुकरात जो भी बातें बोलते थे वह उसको दिल से संचित कर लेता था, मतलब कुछ लोग गुरु के शब्दों को मानते हैं ना वही चीज है। एंड इन लेटर और बाद में इयर्स बिकेम एज ए फेमस एज ए टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ, और लेटर का मीन्स होता है बाद में, इयर्स मतलब कई वर्षों बाद, बिकेम मतलब हो गया एज ए फेमस प्रसिद्ध हो गया अ टीचर अध्यापक के रूप में एज सुकरात हिमसेल्फ, जैसा कि सुकरात स्वयं थे। कहने का मतलब यह है जैसे सुकरात प्रसिद्ध हो गए थे वैसे उनका वह शिष्य जो प्लेटो था क्या हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था। अब यहीं पर चैप्टर को एंड करते हैं, इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।